कहेंगे? मैं तो जब भी खुल के कहता था, आज भी खुल के कहता कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का उपयोग हमेशा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी करती आई है, और ये कोई आज के कदम नहीं है, एमरजेंसी से लेकर आज तक के इतिहास में हमेशा रहे हैं। और डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी को तो 10 साल सांसद होते हुए काटनी पड़ गई थी, क्योंकि एक एजेंसी ने फैक्ट्स डेवलप भी उनके विरोध करे और इस्तेमाल भी उनके विरोध करे। एक जी 4.5 साल सबसे बड़ा मलाल तो 5100 रुपये पेंशन का ही है, और हमने तो अंत तक कहा कि 5100 रुपये पेंशन कर दो, हम लोकसभा नहीं लड़ते। और तो आगे वाले समय में पार्टी का घोषणा पत्र विधानसभा के लिए आएगा, ऐसी कोई चीज मैं नहीं मानता जो हमारे घोषणा पत्र में प्रमुख हो और हम ना पूरी कर पाए। रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में बनवा पाए, महिलाओं को 50% आरक्षण दे पाए, 75% का कानून विधानसभा से पारित कर पाए, एग्जामिनेशन सेंटर हम 50 किलोमीटर के अंदर करवा पाए, अनेक कदम हमने उठाए जो हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख हिस्सा था, और मुझे लगता है हरियाणा की जनता का प्यार भी उसी वजह से आज हमें भरपूर मिला। हिसार लोकसभा क्षेत्र से आपकी पार्टी से उम्मीदवार पार्टी से हुआ है, परिवार से हुआ, क्या काम? मुझे नहीं लगता कि पार्टी का एक भी सदस्य हमारे परिवार का सदस्य नहीं, 10 के 10 उम्मीदवार हमारे परिवार के सदस्य ही होंगे, चाहे वो एससी सीट्स हो चाहे जनरल सीट्स हो। एक जी बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है हमेशा, तो इस दाग को लेकर के अभी इलेक्शन ना तो दाग है तो क्या मतलब बीजेपी के खिलाफ कितना मुखर हो गए बोल पाएंगे उसके लिए? ना तो ये दाग है और ना हम किसी पार्टी की बैसाखी है। मैं तो मनोहर लाल जी का बयान सुन रहा था, कहते बैसाखी दूर कर दी, उनके लिए बैसाखी जरूर थे कि उनकी स्टेबिलिटी गिर ना जाए तो हम साथ खड़े रहे, हमारे लिए तो वो कभी भी बैसाखी नहीं थे, हमने तो साथ दिया, गठबंधन धर्म ने बाकर दिया, आज अलग है तो भी वो सरकार चला रहे, मगर अलग होने के बाद किसान की क्या हालत है? आप भी भिवाणी मंडी देख के आए हैं, 3 दिन हो गए कोई परचेज शुरू हुई? मैंने जो 417 मंडियां बनाई थी आज उससे कुछ फालतू कदम उठा पाए? नहीं उठा पाए। ये दिखाता है कि हम जब तक थे किसान की सोच और सुध रखने वाले लोगों ने किसान को आर्थिक समृद्ध किया, आज तो कमजोरी साफ आ रही है कि नई सरकार फैसले ही नहीं कर पाती, और अगर फैसले कर पाती तो फिर 3 दिनों से जो किसान को प्रताड़ित होना पड़ा, प्रताड़ित नहीं।